कल तो बेटा टेस्ट सी, पहला असि टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, उस तो बाद असि बसंत ऋतु लेख करना है। ठीक है, ऐसे सर्दी ऋतु कर बैठे हाँ, बसंत ऋतु लेख अज असि करेंगे। पहला आप टेस्ट डिस्कस कर लेने, अपनी अपनी शीट्स निकाल लो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सी बेटा, फेस रेज योर हैंड। राजे नू किस चीज का फिक्र सी? यस वरिंदा बेटा, वरिंदा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस बेटा, राजे नू किस चीज का फिक्र सी? राजे नू अपना राज प्रबंध अते ओह कोई गलती ना करे उस दी फिकर सी। हाँ, ये अपने राज पर बंदे कोई गलती ना करे। वेरी गुड। यस माही, राजे ने कितने सवाल पूछे? माही मैम बेटा राजे ने सवाल हाँ, कितने? 3 सवाल। वेरी गुड। कार्तिक, राजे यस मैम जंगल विच कौन रहता सी? पिशर हाँ, तपीशर रहता सी। वेरी गुड। साम्या, 3 सवाल केड़े केड़े सन? वर्ता ले चंगे आदमी केड़े हन, काम शुरू करने ले चंगा समा केड़ा है, और काम शुरू करने ले चंगा समा केड़ा है, सब तो चंगा काम केड़ा है। जरूरी काम केड़ा है? जरूरी, सब तो जरूरी काम केड़ा है। वेरी गुड। केंजर, राजे ने तपीसर पास जाके की किया? राजा जो तपीशर कोल पहुंचा थे तपीशर कैरी पुट रहा सी। राजे ने तपीशर नु 3 सवाल पूछे पर तपीशर ने कोई जवाब ना दिता। राजे ने तपीशर दी मदद करने लिए कैरी पुटनी शुरू कर दी। उथे थोड़ा कुछ समय बाद एक गबरू दौड़े दौड़े आया। उसने गबरू दे सट बक्सी विच सट लगी हुई थी। राजे ने उसे मलम पट्टी कीती और उसकी जान बचाई। हाँ, तपीसर पास जाके कीता। सब तो पहले उन्हें क्यारी पुटनी शुरू की। ठीक है, 2 घंटे तक क्यारी पुटी, उस तो बाद उसे गबरू सी उसकी मदद की, उसकी मरहम पट्टी की। नेक्स्ट ग्रामर के क्वेश्चन है बेटा। ये सारा महक, आप सर नवाब तुहाडे पिता जी का मैम कारोबार की है? महक अपने अपने पिता बारे दसो। बेटा, अपने पिता बारे दसो कि कारोबार बारे दसो? महक कारोबार बारे दे हाँ, अपने अपने पिता पिता दे जी, कारोबार हाँ बारे दे अपने पिता जी दे कारोबार बारे दसो। नेक्स्ट सारा, सारा कौन? सारा रेज़ ये सारा, कविता दे कवि बारे दसो। प्रश्निक वाक, कविता देख कवि दा ना की है। हाँ कविता दे कवि का नाम की है? पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सामिया, की मैनू अपनी की तुसी मैनू अपनी किताब दोगे? सलवा मैम क्या बोला? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। की मैनू अपनी किताब दोगे? लास्ट क्वेश्चन, मैम इसका मुझे डाउट था। जो भी लिखा है बोल दे बेटा, कुछ लिखा होना है सामया कि नहीं लिखा? देना चाहते हो? तुसी मैनू अपनी किताब दियोगे? सिंपल आना सी, रिपीट करिया, तुसी मैनू अपनी किताब दियोगे या मैनू अपनी किताब दियोगे? ओके मैम ऐसे भी कर सकते तुम मैनू अपनी किताब दे दो। नहीं दियोगे, क्योंकि गे विच है ना, गा गे गी वाला है। ठीक है, फ्यूचर विच है, अपना फ्यूचर विच ही बनाना है। ओके ठीक है, ओके मैम चलो टेस्ट अपना डिस्कस कर लिया, हूँ आप करांगे लेख स्टार्ट। लेख केड़ा अपना? बसंत रुत। अच्छा, बसंत रुत ही अपना बेटा PT 1 की पढ़ी हुई है? यस दसो बेटा, चैप्टर अपना पढ़िया है ना, की पढ़िया है? लेसन पढ़िया, कविता पढ़ी? केंजल, हाँ जी केंजल बेटा, हाँ केंजल बेटा, पोएम थी। हाँ पोएम भी लाइना याद है बेटा केंजल, उदे बारे की दस्या गया इस कविता दे विच। मैम उसमें ये बताया गया था कि कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या क्या खाते हैं और उसका मौसम कैसा होता है। हाँ अच्छा, एनी अदर स्टूडेंट बसंत ऋतु बारे कुछ पता होवे?
बसंत रुत केहो जी हुंदी है, पहरावा केहो जो हुंदा है, खान पीन केहो जो हुंदा है। यस यस हैंड बेटा अग्रिम 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 अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बसंत रुत बारे दसो बेटा, बसंत रुत केहो जी हुंदी है, कदों आंदी है, ये रुत के हाँ बोल बेटा। बसंत ऋतु ज्यादा सुहावनी होती है, इस टाइम पे सारे लोग बच्चे पतंगे भी उड़ाते हैं, और क्योंकि इसमें इस रुत में बसंत पंचमी आती है, यहाँ पे लोग कहते हैं या स्टार्ट। ओके मैम। यस बोल बेटा अग्रिम अग्रिम। बसंत रुत एक एहो जी रुत है जो बहुत ही ज्यादा सुहावनी होंदी है। इस रुत विच बच्चे पतंगा भी उड़ांदे हन, क्योंकि इस रुत विच बसंत पंचमी आउंदी है। इस दिन बच्चे पीले कपड़े पाउंदे हन, ते और ना अभी याद नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। इस दिन सारे बच्चे पीला खाना खांदे हन, पीले कपड़े पांदे हन। चैप्टर पढ़े है ना, कविता पढ़ी सी ना बसंत रुत, ओदे विचों कोई लाइन सुना दे देवी। गौरी गौरी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बसंत रुत बारे बेटा। मैम बसंत रुत विच बच्चे पीले कपड़े पाउंदे हन ते पीले खाना खांदे हन, बच्चे छत्तां विच रह के पतंगा उड़ांदे हन। मैम चलो वेरी गुड। ठीक है अपन लेख स्टार्ट कर दिया, मतलब तुहानू पता है वी संत रुत किहो जी है, फिर अपन कविता भी रीड कीती है। ये रुत की है बड़ी सुहावनी हुंदी है। यस महक। हां जी इस दिन जेड़े पंदे हन ओ हन डोल दे की आगन, इन जेड़े रुख ओना उते डोडियां आन शुरू हो जांदी है, इस दिन लोग तंगा उड़ांदे हन। सुनो बेटा स्टार्टिंग जब पहला कोटेशन लिखनी है, कविता जी तुसी कीती है ठीक है, अपनी नोटबुक पे कोटेशन लिखो। कविता रीड कीती सी ना, ककरा ने लुट पुट नंग कर छड़े रुख, हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां, भाव की ककरा भरी सर्दी ने, हुण सर्दी रुत चल रही है, हुण सर्दी तो बाद केड़ा मौसम आना है, बसंत का मौसम आना है, बसंत रुत आनी है ठीक है। हुण बसंत वाला मौसम स्टार्ट हो गया, बसंत रुत का महीना स्टार्ट हो गया। तुसीं दरबार साहब भी लगाओगे ना, दरबार साहब के विच भी सवेरे रोज शब्द गाते हैं। ये जिहड़ी रुत है फरवरी मार्च के महीने रहिंदी है। हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां, अज मतलब जदों बसंत रुत आई, बसंत रुत के आन के नाल जिहड़ियां डालियां पुंगरनियां शुरू हो जांदियां हन, भाव की उन्हां दे पत्ते आने शुरू हो जांदे हन। कोटेशन लिख ली। फिर बेटा मैं तुहानूं लेख लिखवाया होया है सर्दी की रुत, दस्या सी ना जदों कोई भी लेख आ जावे रुत्तां नाल संबंधित उहदी भूमिका सेम रहिंदी है, दस्या सी ना। यस एक्सप्लेन करो बेटा भूमिका कौन सुनाएगा, सेम ही भूमिका है। गौरी। यस गौरी बेटा। मैम मैंने पूछना था ये रफ कॉपी में करना है कि फेयर में करना है। बेटा फेयर पे। ओके मैम। केंजल आप सुनाओगे, केंजल। मैम भारत में समय समय ते रुत आउंदियां हन, जिवें कि गर्मी सर्दी बसंत पतझड़ वर्खा आदि। हर रुत दा अपना ही महत्व है, हर रुत अपने नाल एक नवा स्नेहा लेके आउंदी है, सानू हर रुत दा स्वागत करना चाहिए है। वेरी गुड। ते लास्ट लाइन अपा बसंत रुत वाली ठीक है, शाबाश सेम भूमिका ठीक है। भारत विच समय समय ते कई रुत्त आउंदियां हन, जिवें सर्दी है, गर्मी है, बसंत है, पतझड़ है, बहार है आदि। हर रुत अपने नाल नवा स्नेहा लेके आउंदी है, प्यार दा संदेश दिंदी है,
लास्ट विच आपां जिहड़ा लेख कर रहे हां की लिखना है बसंत रुत नूं आपां की कहिंदे हां रुत्तां दी राणी कहिंदे हां रुत्तां दी राणी कहिंदे हां। अच्छा मैनूं रुत्तां दी राणी क्यों कहिंदे हां बेटा कोई स्टूडेंट दसेगा इहनूं रुत्तां दी राणी क्यों कहा जांदा है बसंत रुत नूं रुत्तां दी राणी क्यों कहिंदे हां यस कार्तिक बेटा कार्तिक कार्तिक इन्हें रुत्ता दी रानी क्यों कहते बेटा यस कार्तिक क्योंकि रुत बेटा सब तो ज्यादा सोहनी होंगी है सोहनी या सुहावनी होंगी है सुहावनी लिख लो ये रुत की है सब तो ज्यादा सुहावनी होंगी है इसलिए सब की कहने रुत्ता दी रानी भाव की बसंत रुत का मौसम ना ज्यादा गर्मी होंगी है ना ज्यादा ठंड होंगी है बहुत वधिया मौसम हुंदा है सब दे ले इसलिए अपन नु रुत्तां दी राणी कहने सेकंड हेडिंग मैं बसंत दे महीने बोल बेटा एक्सप्लेन कर बेटा सब में एक्सप्लेन कर केड़े महीने आंदी है मैम फरवरी फरवरी मार्च फरवरी मार्च में मिले ठीक है नेक्स्ट हेडिंग बोला बेटा थर्ड सर बसंत का पहरावा पहरावा लिख लेते ठीक है थर्ड पॉइंट पहरावा एनी अदर स्टूडेंट बेटा एक्सप्लेन करो ओनली थ्री स्टूडेंट कार्तिक साम्यन महक बाकी बच्चे सुनाओ बेटा पहरावा केड़ा पाने आप यस बसंत विच केड़ा पहरावा पाया जाता है दिवित हाँ बोलो बेटा दीवी मैम पीले रंग का हाँ पीले रंग के कपड़े पाए जाते हैं ठीक है बसंत ऋतु में लोग ज्यादातर पीले रंग दे दे कपड़े पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग बोलो बेटा रसमीन यस रसमीन गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग यस रश्मीन बेटा मैम खान पीन हाँ खान पीन बोलो बेटा एक्सप्लेन कर लो मैम लोग ज्यादातर बसंत ते पीली चीजा ही खाते हैं जिवे पीले रंग दे मिठे चावल चावल हलवा आदि ठीक है पीले मिठे चावल हो गए या हलवा आदि ये ज्यादा बनाया जाता है। हुण आपां बेटा कविता विच भी काफी कुछ पढ़िया ठीक है कविता बसंत कविता पढ़ी ना आपां उहदे जो हैडिंग बनावांगे ठीक है कविता विच आपां काफी कुछ पढ़िया उहदे जो हैडिंग बनाओ यस ये जो है कविता विचों केड़ी हैडिंग बन सकदे बेटा कविता विचों आपां रुखा बारे पढ़िया पंछियों बारे पढ़िया ठीक है बसंत रुत दे नाम बारे पढ़िया उन्हें जो हेडिंग बनाओ बेटा काफी एक्सप्लेन हो जाता तुहानू आता नहीं है यस काफी कुछ पढ़िया ना बेटा अच्छा यस यस जो हेड हेडिंग बनाओ बेटा महक पागल भी हेडिंग बनाओ बेटा जो यस महक हाँ बोलो महक ये अगली हेडिंग है बसंत का मौसम मौसम ठीक है अग्रिम अग्रिम यस अग्रिम बसंत हाँ बसंत
बसंत रुत की बेटा आप लिखांगे पंछियां ली ये रुत पंछियां ली या पशु पंछियां ली फायदेमंद आप कविता लाइना पढ़िया ना काफी पंछियों बारे पढ़िया कि नहीं पढ़िया बेटा लाइना कि लाइन पढ़िया पंछियों बारे सुनाओ मैं बसंत रुत कविता समृति बेटा हाँ बोल बेटा बोल वेरी गुड अभी ना बोल एक्सप्लेन कर पुत्र अभी ना एक्सप्लेन कर मैम उस इस संतरे विच मैम फुल्ला जिधे कहते हैं गमले विच होते हैं उन उन हाँ हाँ वो शाबाश वेरी गुड मैम उन नदी रोतों दी है अरे अरे बारे तो पापों के विच भी पड़े हैं कविता के विच भी पड़े हैं केंजल हाँ जी केंजल बेटा फुला दा खिड़ना बसंत रूप दे विच अलग अलग रंगा दे ठीक है अलग अलग रंगा दे जिवें लाल पीले ठीक है अलग अलग रंगा दे फुल खिड़ने शुरू हो जाते हैं माली भी है आप लाइन पढ़ी सी ना उहदे विच कविता विच माली जेडे बाग दे विच ठीक है एक लाइन दे विच की लगांदे हन गमले लगांदे हन ठीक है माली भी की हन बगीचियां विच या बगीचे विच गमलियां नूं लगांदे हन ते एक खिड़े हुए फुल बहुत सोहने लगदे हन ते इन्हां फुल्लां उत्ते किहड़े पंछी मंडराउंदे हन पढ़िया सी ना भोरे लट बोरे नूं आईआं खुशहालियां आप पढ़िया ना बेटे इन्हां फुल्लां उत्ते जिहड़े भौरे हन बुलबुल हन जिहड़े भौरे ते बुलबुल है उहड़ा पंछी की है मंडराउंदे हन उपर हैडिंग सी पंछियां लई फायदेमंद पंछियां पंछी क्यों खुश होंदे है इस रूप दे विच यस फिफ्थ पॉइंट पंछी क्यों खुश होंदे बेटा सामिया बेटा हाँ जी सामिया बेटा मैम पंछी टिंडोल ते बसंतरा गाउंदे हन हां खुशी दे विच क्यों गाउंदे हन ए क्यों भी गाउंदे हन ए दस ना बेटा क्यों गाउंदे हन मैम ये नहीं मुझे पता चलो हां जी एनी अदर स्टूडेंट पावनी सारा रेज योर हैंड पावनी एंड सारा यस सारा बेटा हां सारा मैम क्योंकि चिरा पंछिया राब ने पंछी क्यों खुश होते हैं यस केंजल बेटा हाँ जी मैम क्योंकि मैम क्योंकि पंछी राब नु मैम क्योंकि पंछी है कि तबना राब नु सुनांदे हन चलो गुड केंजल हाँ बेटा केंजल मैम क्योंकि मौसम बहुत सुहावना होता है वेरी गुड चाहे पंछी है चाहे मनुख है चाहे जानवर है वो क्यों खुश होएगा इस रुत दे विच क्योंकि इस रुत दा मौसम सुहावना हुंदा है आपां लाइन भी कीती सी जिहड़े पंछियां दे बोट हुंदे है बच्चे आले दे विचों बाहर आउंदे हन उडारियां भरदे हन क्यों उडारियां भरदे है ठंड घट जांदी है ठंड विच बाहर नहीं ना निकले जांदा ते पंछी की है बसंत रुत दे विच ठंड घट जांदी है ते पंछियां दे बच्चे जिहड़े है ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹਨ
अपने आलणिया दे विचो पंछी अपने आलिया दे विचो बाहर आते हैं। पंछी की करते हैं अपने आलिया दे विचो बाहर आते हैं, असमान दे विच उडारियां भरते हैं, अते केड़ा राग गाते हैं, बसंत ते पिंडोल राग गाते हैं। अपा कविता दे विचो ही लेना है, साडा काफी लेख कविता च ही बन जाना है। खुशी विच बसंत हिंडोल राग गाते हैं। चाहे इत कोटेशन भी लिख सकते हो, पंछियों ने गाव्या बसंत हिंडोल राग, ठीक है। कोटेशन भी लिख सकते हो कविता दे विचो, केड़ी कोटेशन है कविता दे लिखी हुई है, पंछियों ने गाव्या बसंत ते हिंडोल राग, भाव की पंछी खुशी दे विच बसंत ते हिंडोल राग गाउंदे हन, ठीक है। सिक्स पॉइंट असीं कर बैठे हां। सिक्स आपां किहड़ा पॉइंट कीता, फुल्लां दा खिड़ना, ठीक है। इस रुत दे विच बहुत सारे फुल खिड़दे हन, बागां दे विच जिहड़ा माली है बूटियां नूं लगाउंदे हन, खिड़े हुए फुल बहुत सुंदर लगते हैं, लाल पीले अलग अलग रंगा दे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये रुत जिहड़ी की है सेहत लिए फायदेमंद होंदी है। यस अग्रिम बेटा, अग्रिम, हाँ जी बेटा अग्रिम। यस मैम। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट बेटा? अच्छा लिखो अगे, बसंत पंचमी का मेला या बसंत पंचमी का त्योहार, केड़ा त्योहार आंदा है? तो बसंत पंचमी का त्योहार इस महीने आंदा है ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बसंत पंचमी का त्योहार इस महीने केड़ा त्योहार आंदा है? बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार वाले दिन घर दे विच पीले मिठे पकवान बनाए जाते हैं, अते पतंगबाजी के मुकाबले होंगे। किहड़े मुकाबले होंगे है? पतंगबाजी के मुकाबले, पतंगबाजी के मुकाबले होंगे। पतंगबाजी मतलब काइट फ्लाइंग, ठीक है। इस दिन पतंगबाजी के मुकाबले होंगे, बच्चे इस दिन पतंगा उड़ाते हैं, अते पूरे आसमान दे विच आईबो आईबो दियां आवाजा आदि हैं। कड़िया आवाजा आदि हैं आईबो, सिंगल कोमिया विच आईबो आईबो दियां आवाजा आदि हैं, आईबो फिर आईबो दियां आवाजा आदिया हैं, पूरे आसमान दे विच आईबो आईबो दियां आवाजा आदि हैं। इस दिन वीर हकीकत राय ने हिंदू धर्म की रक्षा लई अपनी जान की कुर्बानी दी सी, उन्हां दी याद दे विच इह त्योहार मनाया जांदा है। उन्हां दी याद दे विच इह त्योहार मनाया जांदा है। हां जी केंजल बेटा, सेहत लई फायदेमंद, सेहत लई फायदेमंद रुत। अपा सेहत लिए फायदेमंद क्यों कहने?
इस ऋतु में आप सेहत ही फायदेमंद क्यों कहने बेटा यह सेज है क्यों कहने ऋतु सेहत लिए बढ़िया होती है। हाँ जी समृति बेटा। हाँ जी समृति मैम क्योंकि इस ऋतु में ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। हाँ ना ज्यादा की होगी ठंड होगी ना ही ज्यादा गर्मी होगी। आप इस रुत दे विच बागा दे भी जाके की करदे आ सैर भी कर सकते हैं। सर्दियां भी सैर करनी नहीं ना औखी लगती है ना बहुत ठंड होती है ते आप बाग दे विच जाके की करदे आ सैर कर सकते हाँ ओके इसलिए रुत की है वधिया होती है। हाँ जी महक महक इस ऋतु विच बहुत सारे फल अते सब्जियां भी पैदा होंदियां हन जो साडे लई सेहत लई फायदेमंद होंदियां हन। गुड शाबाश क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट सारांश ते इस प्रकार असी कह सकते हां कि बसंत रुत सब तो वधिया रुत हुंदी है। ठीक है सब बसंत रुत सब तो वधिया रुत हुंदी है। सानू इस रुत का आनंद मानना चाहिदा है। सानू इस रुत का आनंद मानना चाहिदा है। बहुत सारे कविया ने हुण आपां बसंत रुत कविता पढ़ी ना पढ़ी बेटा बहुत सारे कविया ने बसंत रुत बारे कवितावां लिखियां हन। बहुत सारे कविया ने बसंत रुत बारे कवितावां लिखियां हन अते बसंत रुत नूं किहड़ा नाम दिता है दसो बसंत रुत नूं की नाम दिता है कविया ने किहड़ा नाम दिता है बेटा। हाँ जी किहड़ा नाम दिता है राधिका अमृता दी रानी। हाँ बरुता दी रानी ते नाल एक होर भी नाम दिता है बसंत कौर दा बरुता दी रानी क्या है ते कईयां ने इहनूं बसंत कौर दा नाम दिता है जिसने अपने उपर की लिया होया है की लिया होया अपने उपर अग्रि साम्या मैम केसरी रंग का दुपट्टा। हाँ जिसने अपने उपर केसरी रंग का दुपट्टा लिया होया है। ठीक है जिसने अपने उपर लिख दिया केसरी केसरी रंग का की लिया दुपट्टा लिया होया है। ठीक है सानू सारिया रुत्तां का की करना चाहिए स्वागत करना चाहिए है। समझ आ गई लेख बेटा सारे ने इजी है अच्छी तरह समझ आ गई पुत्र एक्सप्लेन कर लिख लिया बेटा सबने पॉइंट सारे क्लियर हो गए। कोटेशन